और कांग्रेस के प्रत्याशी श्वेता सिंह घर से निकलते हुए घर के बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के साथ टिकट श्री मंदिर दुर्गा मंदिर से माथा टेकते हुए पूजा अर्चना के बाद नामांकन के लिए निकली। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा करते हुए टिकट दिया है और बोकारो की जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी, निश्चित ही विजय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहूंगी सबसे पहले अपने पार्टी को, संगठन को, कांग्रेस पार्टी को, जिसने मुझ पे फिर से ये भरोसा दिखाया और इस बार पूरे बोकारो के लोग हम लोग मिल करके पार्टी की झोली में ये सीट देने का काम करेंगे। विधानसभा बहुत प्रसन्न रहा इस बार, क्या उम्मीद है? पिछली बार हम लोग के पास समय बहुत कम था, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम था, लेकिन 5 साल से हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। इस बार निश्चित ही हम लोग विजयी होंगे, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से हम लोग बोकारो के लोगों का ये विजयी है और सारे बोकारो के लोग इसमें विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।